आज हम लोग प्लेटो के विचारों के ऊपर विचार करेंगे। प्लेटो यूनान का एक अत्यंत प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ, जो कि ज्ञान की सभी शाखाओं पर जिसने अपना गहरा प्रभाव डाला, दर्शन पर, साहित्य पर, राजनीति पर, मनोविज्ञान पर, प्राकृतिक विज्ञान पर, गणित पर, इस प्रकार से ज्ञान विज्ञान की लगभग सभी शाखाएं प्लेटो के विचारों से गहराई से प्रभावित हुई और इसलिए वो एक विश्वकोश था, एक एनसाइक्लोपीडिक रेंज उसकी थी और इसलिए पश्चिमी दर्शन के इतिहास में उसका असाधारण महत्व है। प्लेटो सुकरात का शिष्य था। 427 BC में उसका जन्म हुआ और 80 वर्ष की अवस्था में 347 BC में उसका देहांत हुआ। प्लेटो की एक विशेषता ये है कि वो पिता पक्ष से और माँ के पक्ष से यूनान के अत्यंत संभ्रांत परिवारों से जुड़ा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जो एथेंस का लागीवर था, जो कि बड़ी प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ, सोलोन, उसकी जो माँ थी वो सोलोन के परिवार से जुड़ी हुई थी और जो उसके पिता थे वो एथेंस के कई राजवंशों से जुड़े हुए थे। इसके अलावा जो प्लेटो का जो सौतेला पिता था, जो स्टेप फादर था, वो उस समय की यूनान की एथेंस की राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति था और पेरेक्लीस नाम के प्रसिद्ध राजनेता का वो घनिष्ठ मित्र भी था। तो इस प्रकार से उसकी जो एंसेस्ट्री थी वो भी काफ़ी समृद्ध थी और तत्कालीन एथेंस की राजनीति में भी उसके परिवार की एक विशिष्ट प्रतिष्ठा थी और इसलिए प्लेटो को बचपन से ही राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन के विषयों को निकट से देखने का अवसर मिला और स्वाभाविक रूप से राजनीति में उसकी गहरी रुचि भी उत्पन्न हुई और जैसा कि उसने अपने एक पत्र में जो जिसको सेवेंथ एपिसिल कहा जाता है उसमें उसने ये लिखा भी है कि जब वो नवयुवक हुआ तो उसकी हार्दिक इच्छा ये थी कि वो भी एथेंस की राजनीति में भाग ले और सार्वजनिक जीवन में भाग लेकर अपने नगर राज्य की सेवा करे। लेकिन एक घटना ने उसके इस निर्णय को पूरी तरह से बदल दिया और वो घटना थी 399 BC में सुकरात का ट्रायल और सुकरात की डेथ। इस घटना ने प्लेटो को झकझोर के रख दिया क्योंकि वो सुकरात को भली प्रकार से जानता था। ऐसा कहा जाता है कि जब प्लेटो 20 वर्ष की अवस्था का था तब से वो सुकरात के साथ उठता बैठता था और सुकरात का जो विचार विमर्श निरंतर चलता रहता था उस प्रक्रिया में वो भाग लेता था और इसलिए सुकरात के व्यक्तित्व का और सुकरात के विचारों का उसके ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव था। लेकिन उसने देखा कि किस तरह से एथेंस के शासन तंत्र ने एक ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में डेल्फी के मंदिर में ये भविष्यवाणी हुई थी कि ये यूनान का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, वाइजेस्ट मैन ऑफ द हेलास, उसको मृत्युदंड देकर अपमानित किया, तिरस्कृत किया, तो ये किस प्रकार की राजनीति है। तो इसलिए उसने उसकी राजनीति से वितृष्णा हो गई और उसने लिखा है अपने उस सेवेंथ लेटर में कि मैंने जो लोग लोकतंत्रवादी थे यानी जो लोग डेमोक्रेट्स थे
उन लोगों की राजनीति को भी देखा, और जो लोग एंटी डेमोक्रेट्स थे, ऑलिगार्किक थे, लोकतंत्र विरोधी थे या वर्ग तंत्र के विचार में विश्वास रखते थे, उनकी राजनीति को भी देखा। और मुझे ये लगा कि एथेंस की राजनीति बहुत विकृत हो चुकी है, और किसी से कोई उम्मीद करना कि यहाँ पर सार्वजनिक जीवन या राजनीतिक जीवन नगर राज्य के कल्याण के लिए संचालित होगा, इसकी उम्मीद करना बेकार है। तो इसलिए सुकरात की मृत्युदंड की घटना ने उसको राजनीति से सदैव के लिए विमुख कर दिया। लेकिन ये अवश्य बात है कि वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में हमेशा रुचि रखता रहा, क्योंकि उसके बाद वो सिराक्यूज़ गया। उसने कई यात्राएं की आसपास के नगर राज्यों की, और उसी क्रम में वो सिराक्यूज़ गया जो कि दक्षिण इटली का एक स्थान है, और सिराक्यूज़ के राजा से मिला, और सिराक्यूज़ के राजा को उसने एक आदर्श राजा बनाने का प्रयास भी किया, जिसमें वो असफल हुआ। उसके बाद उसके पुत्र के साथ भी उसने इस प्रकार का प्रयास किया कि एक उसको अच्छा शासक बनाया जाए, लेकिन इन्हीं सब प्रयासों में उसको असफलता मिली। लेकिन इस तरह से उसने उस समय के कई प्रमुख राज्यों की राजनीति को निकट से देखा, और हम ये नहीं कह सकते कि वो कोई अपनी क्लोजेट फिलोसोफर था, कि वो एक ऐसा दार्शनिक था जिसको व्यावहारिक राजनीतिक जीवन का कोई अनुभव नहीं था। तो ये तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि प्लेटो को न केवल एथेंस की राजनीति को बहुत निकट से देखने का अवसर मिला था, बल्कि उसने दूसरे कई राज्यों की राजनीति को भी बहुत निकट से देखा था, उनको प्रभावित करने की चेष्टा भी की थी, यद्यपि इसमें वो असफल रहा। तो इसलिए वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में भी काफी रुचि रखता था। इसके बाद उसने, जब वो राजनीति से विमुख हो गया, तब उसके सामने प्रश्न ये था कि किस प्रकार क्या किया जाए कि हमारे देश को अच्छे राजनेता मिलें, जो कि राज्य के कल्याण की दृष्टि से राजनीति में भाग लें या सार्वजनिक जीवन में भाग लें। और यहीं पर उसको लगा कि इसके लिए शिक्षा की आवश्यकता है, और किसी शिक्षा संस्थान को स्थापित करने की आवश्यकता है, क्योंकि उस प्रकार के संस्कार नई पीढ़ी को वहीं से प्राप्त हो सकते हैं। और इसी उद्देश्य से उसने एक शिक्षा संस्थान, जिसको कि एकेडमी कहा गया, और जिसके बारे में कहा जाता है कि वो यूरोप का पहला विश्वविद्यालय था, तो उसकी उसने स्थापना की। और अपने बाकी के जीवन में वो एकेडमी में ही एक उसका संचालक और उसमें उसका प्रधान शिक्षक रहा। और उस एकेडमी में न केवल दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे, बल्कि उस समय के बड़े बड़े जो गणितज्ञ थे, कलावेत्ता थे, दार्शनिक थे, वे उस एकेडमी में पढ़ाने भी आते थे। तो इसलिए एकेडमी की काफ़ी प्रतिष्ठा थी। और हम लोग जानते ही हैं कि प्लेटो का जो सबसे प्रसिद्ध शिष्य है, यानी एरिस्टोटल, वो भी उस एकेडमी में लगभग 20 वर्ष तक रहा था, और उसने भी अपना अध्ययन वहीं पर किया था। तो इस तरह से उसने एकेडमी की स्थापना की, और उसने अपना संपूर्ण जीवन उसी एकेडमी के को समर्पित किया, एक शिक्षक के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, एक लेखक के रूप में। ये संक्षेप में प्लेटो का परिचय है, जीवन परिचय है। दूसरी बात यह है कि उसने लगभग 35 ग्रंथों की रचना की है, और राजनीतिक दृष्टि से, वैसे तो प्लेटो के जैसे विद्वान
विषयों के किसी विभाजन को स्वीकार नहीं करते। आजकल वाली जो दृष्टि है, जिसको फ्रेगमेंटेशन ऑफ नॉलेज कहते हैं, कि कैसे हमने ज्ञान के क्षेत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और हर व्यक्ति किसी एक टुकड़े को लेकर संतुष्ट है, प्रसन्न है और उसी को ज्ञान मानता है, तो ये जो दृष्टि है ये हमें प्राचीन सभ्यताओं में दिखाई नहीं पड़ती। वहाँ पर ज्ञान एक समग्रता है और एक दार्शनिक संपूर्ण जीवन पर विचार करता है, वो उसके केवल एक पक्ष या एक भाग पर ही विचार नहीं करता। तो इसलिए प्लेटो ने ज्ञान विज्ञान के सभी क्षेत्रों पर गहराई से विचार किया और इसलिए करीब करीब 35 ग्रंथों की रचना की। लेकिन अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखें तो उसकी तीन प्रमुख रचनाएं हैं। सबसे प्रमुख रचना तो उसकी रिपब्लिक है, जो कि एक कालजयी रचना है, एक टाइमलेस क्लासिक है। और उसके अलावा उसने स्टेट्समैन और लॉज के नाम से दो अन्य डायलॉग्स लिखे, जिनमें कि राजनीतिक विषयों की विस्तार पूर्वक चर्चा है। तो राजनीतिक दृष्टि से इन तीन ग्रंथों का बहुत महत्व है। यद्यपि रिपब्लिक तो संपूर्ण जीवन का ग्रंथ है, उसको राजनीतिक ग्रंथ कहना शायद उसका अंडर एस्टिमेशन है, क्योंकि रिपब्लिक में तो जीवन के सभी पक्षों का बड़ा विस्तार पूर्वक और बड़ा गहन अध्ययन और विश्लेषण है। अब दूसरी बात यह है कि प्लेटो के जहाँ तक वैचारिक पक्ष का, उसके दार्शनिक पक्ष का संबंध है, तो बार्कर ने एक बात कही है प्लेटो के विषय में कि इन प्लेटो सॉक्रेटिस लिव्ड अगेन, कि प्लेटो के रूप में सुकरात का पुनर्जन्म हुआ, जिसका कि मतलब ये है कि प्लेटो ने उसी चिंतन परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया जो कि उसको अपने गुरु सुकरात से प्राप्त हुई थी। न केवल उसने सुकरात की पद्धति को आगे बढ़ाया, जो सॉक्रेटिक मेथड है वही प्लेटो का मेथड है, उसने भी जो डायलॉग, जो उसकी रचनाएं हैं वो इसीलिए डायलॉग्स कहे जाते हैं क्योंकि वो भी संवाद शैली में, यानी डायलेक्टिकल मेथड्स में या डायलॉग मेथड से लिखे गए ग्रंथ हैं। तो न केवल प्लेटो ने सॉक्रेटिस की पद्धति को अंगीकार किया और उसी को आगे बढ़ाने का काम किया, बल्कि उसने जो सुकरात का दर्शन है, सुकरात की जो दृष्टि है, उसी के आधार पर विचारों का प्रतिपादन किया। इसलिए मेथड और सब्सटेंस दोनों में वो सुकरात की परंपरा को ही आगे बढ़ाने का काम करता है। इसलिए बार्कर ऐसा मानते हैं कि प्लेटो के रूप में सुकरात का पुनर्जन्म हुआ, और स्वयं प्लेटो ने भी ये बात कही है। उसका जो सेकंड लेटर है, उसने उसके 13-14 पत्र हैं जो कि एक प्रकार की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, जिनका बड़ा महत्व है। तो उन पत्रों में से एक है सेकंड लेटर, जो दूसरा पत्र है उसमें उसने एक जगह जो बात लिखी है उससे बार्कर की बात और पुष्ट हो जाती है, प्रमाणित हो जाती है। उसने लिखा है, नो राइटिंग ऑफ प्लेटो एग्जिस्ट्स, कि प्लेटो ने कुछ नहीं लिखा, वो अपने बारे में कह रहा है। नो राइटिंग ऑफ प्लेटो एग्जिस्ट और एवर विल एग्जिस्ट, बट दोज नाउ सेड टू बी हिज बिलोंग टू सॉक्रेटिस, क्योंकि जो कुछ भी उसकी रचनाएं, यानी मेरी रचनाएं मानी जाती हैं, दरअसल वो सुकरात की सृष्टि है, वे सुकरात की रचनाएं हैं, क्योंकि मैं तो केवल सुकरात की बातों को दोहरा रहा हूं, उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। तो मेरी जो रचनाएं हैं वो वास्तव में सुकरात की रचनाएं हैं, सुकरात के दृष्टिकोण हैं, जिसको कि मैंने आगे बढ़ाने का काम किया। तो स्वयं प्लेटो ने उस सेकंड एपिसिल में ये बात कही है कि
कि प्लेटो की कोई रचना नहीं है, ना कोई प्लेटो की रचना होगी भविष्य में भी, क्योंकि जो कुछ भी प्लेटो है वो केवल सुकरात का ही पुनर्कथन है। एक तरह से हम सुकरात को ही रीस्टेट कर रहे हैं, पुनर्प्रतिपादित कर रहे हैं। और इसलिए कई बार ये विवाद भी पैदा होता रहा है विद्वत जगत में, ख़ास तौर से जो यूनानी चिंतन के विशेषज्ञ हैं उनके बीच में, कि जो प्लेटो की रचनाएं हैं उन रचनाओं में कितना सुकरात का दृष्टिकोण है और कितना प्लेटो का दृष्टिकोण है। तो ये भी एक बड़ा विवाद का विषय रहा है। और कई बार जो प्लेटो के जो डायलॉग्स हैं उनका क्लासिफिकेशन इस तरह से करने की कोशिश की गई है कि ये सॉक्रेटिक डायलॉग्स हैं, यानी इसमें जो कहा गया है वो सुकरात के वस्तुतः विचार वो सुकरात के हैं, और जो दूसरे डायलॉग्स हैं वो प्लेटोनिक हैं, कि इसमें प्लेटो स्वयं अपनी बात कह रहा है। ये विवाद बड़ा प्रचलन में रहा है। लेकिन जैसा कि अभी मैंने जो कथन उद्धृत किया, प्लेटो तो पूरी तरह से अपने को ये स्पष्ट रूप से कह देता है कि मैंने तो कुछ लिखा नहीं, अब जो कुछ भी मैंने कहा है प्रतिपादित किया है वो सब सुकरात का ही दृष्टिकोण है जिसको मैंने आगे बढ़ाने का काम किया। तो ये एक दूसरी बात है कि जो कि प्लेटो के संदर्भ में ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ज्ञान एक प्रवाह है। जो प्राचीन संस्कृतियां हैं उसमें विचारों का कोई कॉपीराइट कभी नहीं माना गया, क्योंकि विचारों का संसार अनंत है, अनादि है। हम उसमें अवगाहन करते रहते हैं, स्नान करते रहते हैं उसमें, उससे अपने लिए कुछ ग्रहण भी करते रहते हैं, लेकिन कभी कोई ओरिजिनलिटी का क्लेम करना उचित नहीं होगा, क्योंकि जो विचार प्रवाह है उसमें बहुत सारे लोग उसमें भाग लेते रहते हैं। तो इसलिए प्लेटो किसी ओरिजिनलिटी को क्लेम नहीं करता, किसी ऑथरशिप को क्लेम नहीं करता, और वो स्पष्ट रूप से कहता है कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ या लिख रहा हूँ ये सब सुकरात का दृष्टिकोण है। ये ज्ञान मुझे सुकरात से प्राप्त हुआ और उसी को मैं आगे बढ़ाने का काम कर रहा। अब जहाँ तक उसके विचारों का पक्ष है, तो एक तो उसका जो मेटाफिज़िकल, उसकी जो मेटाफिज़िकल थ्योरी है, जो उसका तत्वशास्त्रीय सिद्धांत है, दूसरा जो उसकी एथिकल थ्योरी है, उसका जो नीति सिद्धांत है या उसका जो नैतिक सिद्धांत है, और फिर तीसरा उसकी जो पॉलिटिकल थ्योरी है, उसका जो राजनीतिक सिद्धांत है, मुख्य रूप से ये पक्ष हैं। यद्यपि उसने साहित्य के क्षेत्र में भी, कला के क्षेत्र में भी काफ़ी, और प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में भी काफ़ी विस्तार से विचार किया है और बड़े गंभीर सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। अब जहाँ तक उसके तत्वशास्त्र का संबंध है, क्योंकि मूलतः वो एक दार्शनिक था, एक फिलॉसफर था, एक मेटाफिजिशियन था, तो विद्वानों ने प्लेटो के तत्वशास्त्र को मेटाफिजिकल ड्यूअलिज्म कहा है, कि वो उसका जो तत्वशास्त्र है वो ड्यूअलिज्म के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, द्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। फिलॉसफिकल ड्यूअलिज्म या मेटाफिजिकल ड्यूअलिज्म, ये उसका, उसके अगर तत्वशास्त्री विचारों को अगर हम एक पद में व्यक्त करें तो हम ये कहेंगे कि प्लेटो एक मेटाफिजिकल ड्यूअलिस्ट है, जिसका कि मतलब ये है कि वो ये कहता है कि ये जो ब्रह्मांड है इसके दो स्तर हैं, एक तो नॉमिना है, यानी एक तो दिव्य जगत है, और दूसरा फिनोमिना है जो कि दृश्य जगत है। एक विजिबल वर्ल्ड है और एक इनविजिबल वर्ल्ड है। ये जो दृश्य जगत है जिसको कि हम इंद्रियों से देख सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, हमारे सीधे अनुभव में आता है, एक तो ये संसार है,
और एक संसार इसके परे है जिसको कि नॉमिना कहते हैं, दिव्य जगत है, इनविजिबल वर्ल्ड, एक डिवाइन वर्ल्ड है, एक दिव्य लोक है। और उस दिव्य लोक का एक सम्राट है, यानी जैसे कि एक राज्य में सबसे बड़ा अधिकारी एक सम्राट या एक राजा होता है, तो उसी तरह से दिव्य लोक में एक परम शक्ति यानी एक ईश्वर विद्यमान है। और उस परम शक्ति के लिए उसने आइडिया ऑफ गुड शब्द का प्रयोग किया, कि जिसको कि हम भारतीय दर्शन की दृष्टि से अगर उसका इक्विवेलेंट, हालांकि इक्विवेलेंट होते नहीं चिंतन के या विचार के क्षेत्र में, क्योंकि हर संस्कृति की एक अपनी विशिष्ट दृष्टि होती है और उसके लिए एक विशिष्ट शब्दावली होती है जिसके इक्विवेलेंट्स दूसरे संस्कृति और सभ्यता में हों, ये कोई आवश्यक नहीं। तो लेकिन फिर भी अगर हम उसको मोटे तौर से व्यक्त करना चाहें तो ये कि जैसे हमारे यहाँ ब्रह्म का स्वरूप है, कि जो ब्रह्म है वो इस सारे गोचर अगोचर जगत का केंद्र है, तो वही स्थान प्लेटो के चिंतन में आइडिया ऑफ गुड का है, सत्य के विचार का। और उस दिव्य लोक में जो है वो शाश्वत चीज़ें विद्यमान हैं, जो आइडियाज़, जिसके लिए ग्रीक शब्द ईडोज है, जिसको कि हम लोग आइडिया या फॉर्म कहते हैं, कि जैसे वहाँ पर हमको ब्यूटी का की फॉर्म, वहाँ पर जस्टिस की फॉर्म, वहाँ पर चैरिटी की फॉर्म, वहाँ पर पाइटी की फॉर्म, यानी आइडिया, यानी वहाँ पर कुछ शाश्वत तत्व विद्यमान है उस दिव्य जगत में। और ये जो दृश्य जगत है ये उसी दिव्य लोक का प्रतिबिंब होता है, उसकी शैडो होती है। उदाहरण के तौर से प्लेटो कहता है कि इस दृश्य जगत में हमको जिस जो भी पदार्थ, जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं उनका जो आइडिया है वो दिव्य लोक में, यानी उनकी जो शुद्ध, उनका जो फॉर्म है, उनका जो परफेक्ट फॉर्म है वो तो दिव्य लोक में ही विद्यमान है। इस धरती में उसकी शैडोज देखने को मिलती हैं, जैसे कि इस धरती पर जितने भी घोड़े हैं वे कोई परफेक्ट हॉर्सेस नहीं हैं, अच्छे होते हैं, उनकी अपनी विशेषताएं होती हैं, लेकिन उनमें परफेक्शन नहीं होता। परफेक्ट हॉर्स तो उसी दिव्य लोक में विद्यमान है। या इस संसार में हमको बहुत सारी चीज़ें आकर्षित करती हैं, उनको हम सुंदर कह देते हैं, लेकिन जो आइडिया ऑफ ब्यूटी है, जो फॉर्म ऑफ ब्यूटी है, वो तो उसी दिव्य लोक में विद्यमान है, जिसका रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इस दृश्य जगत में। और इसलिए अगर कोई चीज़ हमको आकर्षित करती है तो हम उसको सुंदर कह देते हैं। तो ये जो ड्यूअलिज्म है कि दो मतलब ऑर्डर्स हैं, एक डिवाइन ऑर्डर है, एक नॉमिना है और एक फिनोमिना है, और जो फिनोमिना है वो नॉमिना का रिफ्लेक्शन है, उसका प्रतिबिंब है, और इसलिए इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वे इम्परफेक्ट हैं, अपूर्ण हैं, अस्थाई हैं, ट्रांजिएंट हैं, परिवर्तनशील हैं, चेंजेबल है। इसलिए इस ये जो संसार है जिसको हेराक्लाइटस कहता है, ये जो दुनिया है वो बिकमिंग की दुनिया है। बिकमिंग यानी चीज़ें बराबर बदल रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं, निरंतर इसमें एक डायनेमिज्म, गतिशीलता रहती है। कोई भी चीज़ यहाँ पर स्थिर या स्थायी नहीं है, हर चीज़ परिवर्तनशील है। लेकिन
ये जो परिवर्तनशील विश्व है इसके परे एक अपरिवर्तनशील जगत है जिसको वो नॉमिना कहता है और जिसको परमनाइटिस की भाषा में हम कहेंगे तो कहेंगे वो है बीइंग, जो शाश्वत है, चिरंतन है, अपरिवर्तनशील है, स्थाई है। तो इस तरह से वो ये दो ऑर्डर्स मानता है और वो ये कहता है कि इस प्रकार से इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब परिवर्तनशील हैं, अस्थाई हैं, अपूर्ण हैं। अगर आपको अपरिवर्तनशील पूर्ण किसी चीज़ को देखना है, प्राप्त करना है, तो वो तो इस लोक से परे है, ऐसा उसका मानना है। तो इस प्रकार से एक तो उसने इस द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, आइडिया ऑफ गुड, और फिर उस आइडिया ऑफ गुड के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट्स या विभिन्न प्रकार के आइडियाज़, जैसे ब्यूटी का कॉन्सेप्ट, जस्टिस का कॉन्सेप्ट, चैरिटी का कॉन्सेप्ट, उनकी यानी सुंदरता, सौंदर्य का परिपूर्ण रूप, न्याय का परिपूर्ण रूप, ये हमें उसी दिव्य लोक में प्राप्त होता है, या किसी वस्तु का परिपूर्ण रूप वो हमें उस दिव्य लोक में ही प्राप्त होता है। इस जगत में हमको उनका रिफ्लेक्शन, उनकी छाया ही केवल देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इस ये जगत पदार्थ से, मैटर से बना है, और मैटर जो होता है वो चेंजेबल भी होता है और इम्परमानेंट भी होता है। तो इसलिए संसार में जो भी चीज़ें होंगी वे परिवर्तनशील होंगी, नाशवान होंगी, और इसलिए वे कभी पूर्ण नहीं हो सकती। वे पूर्णता की, लेकिन प्लेटो ये भी कहता है कि हर संसार की हर वस्तु में एक इनर अर्ज होती है, एक आंतरिक प्रेरणा होती है पूर्णता की ओर जाने की, साथ साथ वो ये भी कहता है। और ये इनर अर्ज कहाँ से आती है? वही जो दिव्य लोक है वहाँ से ये अर्ज आती है, क्योंकि हम इम्परफेक्ट हैं तो हम परफेक्शन की ओर जाना चाहते हैं, ये हमारे अंदर एक प्रेरणा होती है। ये अलग बात है कि इस दृश्य जगत में रहते हुए वो परफेक्शन संभव नहीं है मनुष्य के लिए या किसी भी पदार्थ के लिए। और ये जो परफेक्शन की जो अर्ज होती है, जो प्रेरणा होती है, इसी को वो टेलोलॉजी कहता है। टेलोलॉजी का मतलब है कि जो हमारा जीवन का लक्ष्य है पूर्णता को प्राप्त करने का, ये पूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य हमको निरंतर कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमको ड्राइव करता है, हमको प्रेरित करता है, संचालित करता रहता है, और हम उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर गतिशील रहते हैं। और ये जो ड्राइव है, ये जो अर्ज है, ये हमारे अंदर आती है। क्यों? क्योंकि हम उसी दिव्य जगत के एक अंश हैं, उसके एक भाग हैं। जैसे कोई भी पार्ट होल की तरफ जाना चाहेगा और होल के साथ विलीन होना चाहेगा, उसी तरह से ये जो जगत है और इसके सब प्राणी, वे भी पार्ट्स हैं एक होल के, और उस होल में वे अपने को विलीन करना चाहते हैं, उसी में उनको परिपूर्णता प्राप्त होगी, फुलफिलमेंट मिलेगा। इसलिए प्लेटो के इस सिद्धांत को टेलोलॉजी भी कहते हैं, उद्देश्य मूलकता का सिद्धांत, कि संसार में हर वस्तु किसी उद्देश्य के लिए है और किसी उद्देश्य की ओर प्रयत्नशील है। संसार में कोई भी चीज़ निरर्थक नहीं है, हर चीज़ का एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है कि वो एक पूर्णता की ओर प्रस्थान करना चाहती है, प्राप्त करना चाहती है। प्राप्त कर पाए न कर पाए ये तो एक अलग बात है, और प्लेटो कहता है कि वो प्राप्त तो नहीं कर सकता क्योंकि इस मैटीरियल एग्जिस्टेंस के चलते परफेक्शन तो संभव नहीं है, लेकिन ये अर्ज होती है, और उस अर्ज के कारण हम निरंतर बेहतर तो
बनते ही चले जाते हैं, अगर वो अर्ज है तो निरंतर हम बेहतरी की ओर तो बढ़ते ही जाते हैं। इस आधार पर प्लेटो ने एक तो अपना आइडियलिज्म, दूसरा जब ये दो ऑर्डर्स हैं तो इनके जानने के लिए भी दो क्षमताएं होती हैं, ऐसा उसका मानना है। जैसे ये जो दृश्य जगत है ये सेंसरी एक्सपीरियंस का विषय होता है, इसको हम इंद्रिय जन्य अनुभव से जानते हैं, यानी इस दृश्य जगत को जानने के लिए हम अपनी इंद्रियों का सहारा लेते हैं, आँख का, कान का, स्पर्श का या इस तरह के, तो ये सेंसरी एक्सपीरियंस में आता है। लेकिन अगर हमको उस दिव्य जगत को जानना है तो उस दिव्य जगत को जानने में सेंसरी एक्सपीरियंस बिल्कुल सहायक नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक अगोचर है और उस अगोचर का आप चिंतन ही कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक शब्द आता है कि जो परम सत्य है वो प्रज्ञाजन्य है, बुद्धिजन्य नहीं। बुद्धि का एक जो बहुत ही परिष्कृत स्तर होता है उसको प्रज्ञा कहा गया है भारत में, तो प्लेटो उसके लिए इंटेलेक्ट शब्द का प्रयोग करता है। ग्रीक भाषा का शब्द है लेकिन उसको अंग्रेजी में इंटेलेक्ट करके करके ट्रांसलेट किया जा सकता है, कि वो जो परम लोक है, दिव्य लोक है, वो जो नॉमिना है वो इंटेलेक्शन का विषय है और ये जो फिनोमिना है ये सेंसरी एक्सपीरियंस का विषय है। और इसलिए फिनोमिना का ज्ञान जैसा होना, ये शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं है, क्योंकि फिनोमिना के बारे में केवल अनुमान आप लगा सकते हैं, इसलिए प्लेटो उसको डॉक्सा कहता है, यानी ओपिनियन, कि इस दृश्य जगत के बारे में आप धारणाएं बना सकते हैं, इस दृश्य जगत का ज्ञान संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि चीज़ें क्षण प्रतिक्षण बदल रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं, और जो चीज़ नित्य परिवर्तित हो रही है, प्रतिदिन परिवर्तित हो रही है, उसके विषय में ज्ञान आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान तो किसी स्थिर शाश्वत तत्व का ही हो सकता है, तो इसलिए इस संसार के लिए ज्ञान जैसे किसी शब्द का प्रयोग करना तो बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि संसार के दृश्य जगत के विषय में आप केवल अनुमान लगा सकते हैं, धारणाएं बना सकते हैं कि शायद ये ऐसा है या शायद ये ऐसा है। यहाँ निश्चयात्मक ज्ञान संभव नहीं है। दृश्य जगत के विषय में आप हमेशा संशय की स्थिति में रहेंगे, दुविधा की स्थिति में रहेंगे, अल्पज्ञता की स्थिति में रहेंगे, कि आप अगर कुछ जानते हैं तो कई पक्ष आप उसके नहीं भी जानते। लेकिन जो ज्ञान है वो तो दिव्य जगत का संभव है, जो कि शाश्वत है, सनातन है, स्थिर है, इम्यूटेबल है। तो ज्ञान आइडियाज का संभव है, फॉर्म्स का संभव है, इसेंसेस का संभव है। क्यों? क्योंकि वो चेंजलेस हैं, इम्यूटेबल हैं, इटर्नल हैं, परमानेंट हैं। इसलिए प्लेटो ऐसा मानता है कि इस दृश्य जगत का आधार धारणा होती है, ओपिनियन होता है, सेंसरी एक्सपीरियंस होता है, जो सत्य और असत्य का मिश्रण होता है, कि उसमें कुछ सही भी है और कुछ गलत भी है, इस तरह से उसका जो कैरेक्टर है वो मिक्स्ड होता है। लेकिन अगर आपको सत्य जानना है तो वो तो इस दृश्य जगत के परे है, और उसको जानने का तरीका भी भिन्न है, और उसको जानने का तरीका इंटेलेक्शन है या कंटेम्पलेशन है, लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, ये उसके तरीके। तो इस आधार पर प्लेटो इसको उसके आप उसकी एपिस्टेमोलॉजी या उसकी जो ज्ञान मीमांसा है वो इस प्रकार के विचार का प्रतिपादन करती है।
ये प्लेटो का संक्षेप में ये उसका मेटाफिजिकल उसका तत्वशास्त्रीय सिद्धांत है, जिसके ऊपर उसके बाकी सभी विचार राजनीतिक और दूसरे भी आधारित हैं, इसलिए इसका ज्ञान होना आवश्यक है। और ये प्लेटो की जो थियोरी ऑफ आइडिया है या उसकी जो थियोरी ऑफ आइडिया ऑफ गुड है, ये एक तरह से बेड रॉक है, वो आधार है जिसके ऊपर प्लेटो अपने सारे वैचारिक और दार्शनिक सिद्धांतों का सृजन करता है। इसी तरह से एक उसका दूसरा जो पक्ष है उसके चिंतन का, वो उसका एथिकल थ्योरी है, उसका नैतिक दर्शन है, उसका भी बड़ा महत्व है। और वो भी अपने गुरु सुकरात की तरह मानता है कि इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कोई है तो वो वर्चू है, सद्गुण है। उसने एक जगह लिखा है कि संसार की सारी संपत्ति, संसार का सारा स्वर्ण भी वर्चू के सद्गुण का मूल्य देने में असमर्थ होता है। सद्गुण का इतना महत्व है। ऑल द गोल्ड अंडर द सन इज नॉट कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग फॉर वर्चू, ऐसा उसका मानना कि संसार का सारा स्वर्ण, संसार की सारी संपत्ति भी सद्गुण का मूल्य नहीं चुका सकती, सद्गुण का मूल्य नहीं दे सकती। तो इसलिए वो भी वर्चू को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता है, वो व्यक्ति और समाज का आधार है। वर्चू इज द फाउंडेशन ऑफ मैन, वर्चू इज द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। और इस वर्चू को अगर हम जानने का प्रयास करें तो हम जान भी सकते हैं। और वास्तविक ज्ञान तो वही है जो कि हमको वर्चू का जब ज्ञान होता है तो वही वास्तविक ज्ञान होता है। तो एक तो उसने सद्गुण की महत्ता को रेखांकित किया, जैसा कि उसके गुरु सुकरात ने किया था। लेकिन इस वर्चू का जो वर्चू है वो क्वालिटी ऑफ सोल है, आत्मा का गुण है, आत्मा की विशेषता है। तो इसलिए प्लेटो जो है, प्लेटो का जो वर्ल्ड व्यू है वो स्पिरिचुअल है, वो आध्यात्मिक दृष्टि जीवन की रखता है। वो ये मानता है कि मनुष्य का जो मूल तत्व है वो उसकी आत्मा है, उसकी सोल है। और ये जो सोल है वो अविनाशी है, इंडेस्ट्रक्टिबल है, इसकी कभी मृत्यु नहीं होती, इसका कभी अंत नहीं होता। और ये अविनाशी है, इमॉर्टल है। सोल जो है, बॉडी तो मॉर्टल है लेकिन जो सोल है वो इमॉर्टल है, और इसलिए पुनर्जन्म होता रहता है। आत्मा का इस भौतिक जगत में बार बार आगमन होता रहता है नए शरीर में, जिसको कि ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल का सिद्धांत कहते हैं, पुनर्जन्म का सिद्धांत कहते हैं। अब इसके अंदर एक जो मुख्य बात है वो ये कि यानी आत्मा इस धरती पर आने से पहले, शरीर धारण करने से पहले दिव्य जगत में उसका निवास रहता है, जो इनविजिबल वर्ल्ड है, जो डिवाइन वर्ल्ड है, आत्मा वहाँ पर विद्यमान रहती है। और जब वो उस इनविजिबल वर्ल्ड में रहती है तो उसका दिव्य वस्तुओं से संपर्क भी रहता है। जो फॉर्म्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो इसेंसेस हैं, वो उनको भी देखती सुनती रहती है, समझती रहती है, उनके साथ भी उसका संपर्क रहता है। इस भौतिक जगत में आने के बाद जब वो मनुष्य का शरीर धारण करती है तो उसको विस्मरण हो जाता है उस दिव्य जगत का, और उस दिव्य जगत में जो फॉर्म्स, जो आइडियाज उसने देखे या अनुभव किए या प्राप्त किए, वे इस भौतिक जगत में आने के बाद उनको वो भूल जाती है, विस्मृत कर जाती है भौतिकता के प्रभाव में।
लेकिन उसके अंदर वो चिंगारी तो है, उसके अंदर वो स्पार्क तो है, वो डिवाइन स्पार्क तो है। और अगर चिंगारी है लेकिन उसके ऊपर राख जम गई है, तो अगर आप राख को हटा दीजिए तो चिंगारी फिर से सामने आ जाती है, और उस चिंगारी को आप अग्नि में परिवर्तित भी कर सकते हैं। इसलिए प्लेटो ये कहता है कि जो मनुष्य है, मनुष्य का मूल स्वरूप उसका आत्मिक स्वरूप है, और मनुष्य जब वो उसकी आत्मा दिव्य लोक में वास कर रही थी तो उसने उन शाश्वत तत्वों को देखा है, अनुभव किया है, जिनकी एक धुंधली सी याद इस धरती पर आने के बाद भी उसके अंदर दबी रहती है, छुपी रहती है। और वही जो धुंधली सी याद है, वही उसका मूल स्वरूप है, और उसी मूल स्वरूप को जागृत कर दिया जाए तो हमारे अंदर सद्गुण का जागरण हो जाता है, वर्च्यू जो है वो अवेकेंड हो जाता है। और ये काम शिक्षा प्रणाली से होता है। शिक्षा प्रणाली के द्वारा शिक्षक जो है वो एक बालक को, एक मनुष्य को उसी मूल स्वरूप का स्मरण कराने का काम करता है, और स्मरण कराने से धीरे धीरे उसकी याद, उसकी स्मृति वापस आने लगती है, और इसलिए वो एजुकेशन को रिकलेक्शन कहता है कि शिक्षा क्या है, पुनर्स्मरण है। उसकी जो उसका जो शिक्षा सिद्धांत है जो कि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है चिंतन के इतिहास में, तो एजुकेशन इज रिकलेक्शन, एजुकेशन इज रेमिनिसेंस, कि जो मेरा डिवाइन नेचर है, जो मेरा स्पिरिचुअल नेचर है, जिसको भौतिकता के प्रभाव में मैं विस्मृत कर जाता हूँ, असली शिक्षा वो होती है, और असली शिक्षक वो होता है जो कि शिक्षा के द्वारा मुझको अपने इस मूल स्वरूप की स्मृति कराता है। और जब मुझे उस मूल स्वरूप की स्मृति हो जाती है तो मेरे अंदर श्रेष्ठता उत्पन्न होने लगती है, सद्गुण उत्पन्न होने लगता है, ज्ञान उत्पन्न होने लगता है, और ऐसी दशा में मैं एक श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाता हूँ, और ऐसे व्यक्तियों से निर्मित एक श्रेष्ठ समाज की रचना अंततः होती है। तो इसलिए प्लेटो ये मानता है कि व्यक्ति के ज्ञान और गुण हमारे अंदर विद्यमान है, शिक्षा प्रणाली हमारे इसी अंतर्निहित हमारी क्षमता को बाहर लाने का काम करती है। आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली है उससे ये बिल्कुल भिन्न प्रकार की दृष्टि है, क्योंकि आधुनिक शिक्षा प्रणाली हमारे मस्तिष्क को एक बॉक्स मानती है जिसमें हम बाहर से चीज़ें लाके भरते हैं, इकट्ठा करते हैं। लेकिन सॉक्रेटिस भी मानता था और प्लेटो भी मानता था कि सारा प्रकाश तो आपके अंदर है, उस प्रकाश के ऊपर जो धूल पड़ गई है भौतिकता के कारण, उस प्रकाश के ऊपर, उस प्रकाश को जो राख ने ढक दिया है, भौतिकता की राख ने, सांसारिकता की राख ने, उसको हटा दीजिए तो वो फिर से प्रकाश प्रकट हो जाएगा। और जब वो प्रकाश प्रकट हो गया तो आपके अंदर सत्संस्कार, सद्बुद्धि, सम्यक दृष्टि अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए शिक्षा का और शिक्षक का वो बहुत ही महत्वपूर्ण उसकी भूमिका मानता है। तो इस प्रकार से प्लेटो ये कहता है कि जो वर्च्यू है, वर्च्यू कैन बी टॉट, बट इट कैन बी टॉट नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, कि सद्गुण की शिक्षा दी जा सकती है, सद्गुण को उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं। जैसे कि हम कोई मशीन वगैरह का के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो वो हमको जो इंस्ट्रक्टर होता है वो डेमोंस्ट्रेट करता रहता है, हम देखते रहते हैं, सीख जाते हैं।
तो वहाँ पर जो जो कुछ भी स्किल है वो डायरेक्टली इम्पार्ट किया जा रहा, सीधे सीधे आपको सिखाया जा रहा, लेकिन वर्चू को डायरेक्टली इम्पार्ट नहीं किया जा सकता। वर्चू जो है वो इनडायरेक्टली इम्पार्ट किया जाता है, धीरे धीरे स्मृति दिलाते हुए, धीरे धीरे अपने मूल स्वरूप का ज्ञान कराते हुए, और फिर धीरे धीरे उसका अभ्यास करते हुए, तब वो प्रकट होता है, विकसित होता है। तो ये सब चीज़ें मुख्य रूप से प्लेटो की जो एथिकल थ्योरी है इसके अंतर्गत आती हैं, यानी उसकी जो मेटाफिजिकल थ्योरी है और उसकी जो एथिकल थ्योरी है उसका एक घनिष्ठ संबंध है, जो कि सभी श्रेष्ठ दार्शनिक, क्योंकि उनका जो दृष्टिकोण रहता है वो होलिस्टिक रहता है, मूल सिद्धांत से सारे प्रिंसिपल, सारे उप सिद्धांत डिराइव होते रहते हैं, और इसलिए उनमें कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है, या कोई कॉन्ट्रडिक्शन देखने को नहीं मिलता, या कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं देखने को मिलती वहाँ। इसलिए प्लेटो कहता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, फिर उस फर्स्ट प्रिंसिपल्स अगर वे सही हैं तो उनसे आप सही कंक्लूजन्स या सही डिराइवेशंस ले निकाल सकते हैं, और अगर फर्स्ट प्रिंसिपल्स ही गलत हैं, भ्रांतिपूर्ण हैं, तो फिर सब, फिर जो कुछ भी उससे आप कंक्लूजन्स निकालेंगे, जो कुछ भी डिराइवेशंस होंगे, वो सब भ्रामक होंगे। इसलिए वो कहता है कि ज्ञान के क्षेत्र में फर्स्ट प्रिंसिपल्स का असाधारण महत्व होता है, वे साउंड होने चाहिए, वे ट्रू होने चाहिए, तो फिर आगे की सब चीज़ें सही दिशा में चलती। तो इस आधार पर उसने अपने, तो इसलिए जो उसकी मेटाफिजिकल थ्योरी है उसी से उसकी एथिकल थ्योरी जुड़ी हुई है, वो भी एक तरह से उसी का डिराइवेशन है, और उसी का डिराइवेशन उसकी पॉलिटिकल थ्योरी है, उसका राजनीतिक चिंतन भी उसी से निकलता है, क्योंकि रिपब्लिक में विषय क्या है, मुख्य प्रतिपाद्य विषय रिपब्लिक का क्या है, कि व्हाट इज़ ए गुड स्टेट, कि एक श्रेष्ठ राज्य किसे कहेंगे। लेकिन एथिक्स का जो विषय है वो क्या है, व्हाट हु इज़ ए गुड मैन, कि एक श्रेष्ठ मनुष्य किसी किसको कहेंगे। व्हाट इज़ ए गुड लाइफ, सदजीवन क्या है, ये एथिक्स के विषय हैं, कि गुड मैन क्या है, गुड लाइफ क्या है, ये एथिकल इश्यूज हैं, एथिकल क्वेश्चंस हैं। लेकिन यूनानी लोग भी मानते थे, और लगभग सभी प्राचीन संस्कृतियों में ये माना जाता था कि जो मनुष्य है वो तो उसकी परिकल्पना आप राज्य के अंतर्गत ही कर सकते हैं, और इसलिए अगर हमें गुड मैन चाहिए तो साथ साथ हमें वो ये भी देखना है कि गुड स्टेट में ही गुड मैन हो सकता है, या वाइस वर्सा, गुड मैन जब होगा तो स्टेट भी श्रेष्ठ बनेगा, दोनों अन्योन्याश्रित हैं, यानी पॉलिटिक्स और एथिक्स दोनों अन्योन्याश्रित हैं। श्रेष्ठ मनुष्य के लिए, श्रेष्ठ मनुष्य की कोई धारणा एक श्रेष्ठ राज्य में ही संभव है, और जब राज्य श्रेष्ठ होगा तो मनुष्य को भी श्रेष्ठता के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, मनुष्य भी श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होगा। इसलिए गुड मैन, गुड स्टेट और गुड लाइफ, ये सब इंटरडिपेंडेंट चीज़ें हैं, परस्पर आश्रित चीज़ें हैं, इनको आप अलग-अलग नहीं कर सकते, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो इसलिए जो उसकी एथिकल थ्योरी है वो उसकी पॉलिटिकल थ्योरी से इंट्रिगली रिलेटेड है, उसको कंडीशन करती है, उसको प्रभावित करती है, उसके स्वरूप का निर्धारण करती है, इसलिए यूनानी चिंतन में एथिक्स और पॉलिटिक्स इनसेपरेबल है। ठीक वैसे ही कि जैसे कि भारतीय चिंतन में धर्म और राजनीति को अलग करने का
की कल्पना ही नहीं की जा सकती। धर्म का ही अंग राजनीति है। वहां पर जो एथिक्स है वो इंडिविजुअल मॉरेलिटी के लिए है, और जो पॉलिटिक्स है वो पब्लिक मॉरेलिटी के लिए है, और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, एक दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। इस आधार इसलिए वहाँ पर कोई सेपरेशन नहीं है इस अर्थ में पब्लिक और प्राइवेट का, निजी और सार्वजनिक का कोई सेपरेशन नहीं, किसी तरह का वहाँ पर द्वंद्व नहीं, संघर्ष नहीं। तो इसलिए अब ये प्रश्न उठता है कि राज्य का स्वरूप क्या है। तो प्लेटो ने विचार किया है रिपब्लिक में ही, रिपब्लिक के अंतिम भाग में उसने इस विषय पर विचार किया है कि भाई, और अपने दौर में भी वो देख ही रहा था कि चाहे वो वर्ग तंत्र हो, चाहे वो लोकतंत्र हो और अधिनायक तंत्र हो, जितने भी शासन तंत्र उसने एथेंस में देखे या आसपास यूनान के दूसरे राज्यों में देखे या यूनान से परे भी जाकर दूसरे देशों में देखे, तो उसको लगा कि ये सब विकृत राज्य हैं, परवर्टेड स्टेट्स हैं। क्यों? क्योंकि इन राज्यों, ये राज्य अपने मूल लक्ष्य सद जीवन से भटक चुके हैं कि राज्य का लक्ष्य तो प्रजाजनों को सद जीवन की ओर उन्मुख करना होता है, और ये सब राज्य या तो गृह युद्ध के शिकार हैं या पारस्परिक युद्धों के शिकार हैं, उनमें तरह तरह के संघर्ष हैं, तनाव हैं, टकराव हैं, और उससे उत्पन्न होने वाली जो दूसरी विकृतियां हैं वे सब विद्यमान हैं। तो इसलिए सुख शांति का तो पूर्ण अभाव है, तो इसलिए ये जो राज्य हैं ये सब परवर्टेड स्टेट्स हैं, विकृत राज्य हैं। अब अगर ऐसा है, ख़ासतौर से एथेंस में उसने देखा था, जो उसने एकेडमी इस्टेब्लिश की थी वो भी इसी पर्पस से इस्टेब्लिश की थी कि भाई एथेंस को कैसे एक श्रेष्ठ राज्य बनाया जाए, और एथेंस को अगर श्रेष्ठ राज्य बनाना है तो उसकी प्री कंडीशन है कि कैसे संस्कारवान मनुष्य की रचना हो जिनके आधार पर एक राज्य श्रेष्ठ राज्य बनता है। तो इसलिए उसने अपने दौर की राजनीति को, अपने दौर के राजनीतिक जीवन को बहुत निकट रूप से देखा था, और सिराक्यूज गया, उसने एक प्रयोग भी किया था वहाँ के शासक के बुलाए जाने पर, डायनोसियस के बुलाए जाने पर, कि हमको एक श्रेष्ठ राज्य बना दीजिए, हमको एक श्रेष्ठ राजा बना दीजिए। लेकिन जब प्लेटो ने ऐसा प्रयास किया तो वो बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने प्लेटो को बेच दिया गुलाम के रूप में। तो उसने ये भी देखा था कि न केवल लोग, न केवल राज्य विकृत हो चुके हैं, बल्कि उनके अंदर अपना परिमार्जन करने का, अपना सुधार करने की कोई इच्छा भी नहीं है। यानी वहाँ के लोग स्वभावतः इतने कुसंस्कारी हो चुके हैं कि वे किसी श्रेष्ठता को सहन भी नहीं कर सकते, स्वीकार करना तो दूर, वो उसको सहन भी नहीं कर सकते अगर उनको कहीं आसपास दिखाई भी पड़े तो। ये बड़ी भयावह स्थिति है। मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति इस राजनीतिक दुर्दशा में कैसे संभव है? इसलिए रिपब्लिक की रचना का उद्देश्य है एक सम्यक राज्य किसे कहेंगे, व्हाट इज ए ट्रू स्टेट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रू स्टेट, कि राज्य का सम्यक स्वरूप क्या है या राजनीति का सम्यक सिद्धांत क्या है। ये रिपब्लिक लिखने के पीछे मूल प्रेरणा है। और वो कहता है कि राज्य, सम्यक राज्य वो है जो कि न्याय पर आधारित है। अब न्याय तो ट्रांसलेशन हो गया हिंदी में, अंग्रेजी में जस्टिस हो गया, लेकिन जो ग्रीक भाषा का शब्द है डाइक, उसका ये सही अनुवाद तो नहीं है।
विद्वानों का मानना है यूनानी भाषा को, पुरानी यूनानी भाषा को जानने वालों का, कि डाइक का अर्थ तो धर्म होता है सम्यक, अगर उसका करेक्ट ट्रांसलेशन किया जाए तो। यानी एक श्रेष्ठ राज्य वो जो कि धर्म पर आधारित हो, जस्टिस पर आधारित हो, न्याय पर आधारित हो। इसलिए रिपब्लिक का मतलब पॉलिटी होता है, राजव्यवस्था होता है, और इसलिए रिपब्लिक का जो उपशीर्षक है, उसकी जो रचना रिपब्लिक है, उसका जो सब टाइटल है वो है कंसर्निंग जस्टिस, यानी न्याय के संबंध में। क्यों? क्योंकि एक राजव्यवस्था का आधार जस्टिस होता है, न्याय होता है, या अगर सही अनुवाद करें तो अप्रॉक्सीमेटली उसके लिए धर्म शब्द आएगा, या कुछ लोग उसको राइटियसनेस भी कहते हैं, कि स्टेट का बेसिस राइटियसनेस होता है। तो इस प्रकार से उसके राजनीतिक चिंतन का जो लक्ष्य है वो एक सम्यक राज व्यवस्था का चित्रण करना है। अब जो उसके लिए अपने को समर्थ बनाएगा वो उसको प्राप्त कर लेगा, जो नहीं समर्थ बनाएगा वो नहीं प्राप्त करेगा। तो इसलिए इसमें यूटोपिया जैसी कोई बात करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि किसी भी श्रेष्ठता को प्राप्त करना आपके सामर्थ्य पर निर्भर करता है, प्रयत्न पर निर्भर करता है। हर श्रेष्ठता सहज साध्य नहीं होती है, उसके लिए थोड़ा तप करना पड़ता है, कठिनाइयों को सहन करना पड़ता है। तो यही बात राज्य की व्यवस्था के विषय में है, इसलिए उसको यूटोपिया कहने का कोई मतलब नहीं है। प्लेटो ने कहीं ऐसा कहा भी नहीं कि ये कोई बड़ा आसान है, लेकिन अगर आप राज्य के सम्यक स्वरूप को जानना चाहते हैं, या आप एक सम्यक राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, तो ये उसकी प्रीकंडीशंस हैं, ये उसकी शर्तें, इनको पूरा करना ही पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि नहीं नहीं बहुत मुश्किल है, तो बात ख़त्म हुई, फिर तो आप जैसे हैं उस हाल से संतुष्ट रहिए, या उसमें जो कुछ आप थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं कर लीजिए, लेकिन आप सम्यक राज्य को तो प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए प्लेटो ने हमारे सामने रिपब्लिक में राज्य का एक सम्यक स्वरूप प्रतिपादित किया है, ये उसकी विशिष्टता है। लॉज और स्टेट्समैन में भी उसने राज्य के विषय में विचार प्रकट किए हैं, लेकिन वो कुछ भिन्न प्रकार के विचार हैं। लेकिन जो रिपब्लिक है वो उसका मूल ग्रंथ है, जहाँ तक उसके राजनीतिक चिंतन का संबंध है, और उसके विषय में अब हम लोग अगले व्याख्यान में विचार करेंगे।